नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे बालों का असमय सफ़ेद होना, बालों का अत्यधिक गिरना और डैंड्रफ होना, बालों का पतला होना जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम इस अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट सुबह के समय, शाम के समय या दिन में किसी भी समय इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजिशन पर आते हैं। ऐसे ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे आगे की तरफ अपने दोनों हाथों को करते हुए कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। और फिर ऐसे इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे रिलैक्स करते हैं। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना या एक पाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। यह सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने सिर के ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। इसके बाद आपने अपने जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लें तो अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, ऐसे एक पाद शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक रुकें और फिर नीचे फिर दूसरे पैर से वहां अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर लें तो शीर्षासना को भी प्रैक्टिस करें। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना कर सकें वह इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लें और कम से कम पहले 10 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में अपनी दोनों आँखों को खोल कर रखते हैं और फिर नीचे और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। लिए हम करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटाते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे लाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पाद हस्तासना की पोजीशन पर रहते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध कर एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें।
श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रसारिता पादोत्तानासना। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ होता है। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और आपके दोनों पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस प्रसारिता पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ हो रहा है और हमारे सिर की तरफ हो रहा है और यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे से सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए।